आज हम टीवी की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से ही अपनी पर्सनालिटी, एक्टिंग और ज़बरदस्त राइटिंग टैलेंट के लिए फेमस रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक उड़ान की स्टार कविता चौधरी की, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कविता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अभिनेत्री 1980 के दशक में भारत में सिर्फ डिटर्जेंट के विज्ञापनों में गृहिणी का रोल अदा कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही कविता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगर कविता के शुरुआती करियर और लाइफ की बात करें तो कविता चौधरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट रही हैं, जिसके बाद उनकी एंट्री स्टेज पर हुई। बाद में उन्होंने कुछ विज्ञापनों और फिल्मों में भी काम किया। उनमें से सर्फ के एड में वो ललिता जी के नाम से काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। कविता चौधरी की टीवी के करियर के बारे में बात करें तो उनको महिला सशक्तिकरण के बारे में एक प्रगतिशील शो उड़ान में आईपीएस अधिकारी कल्याणी सिंह के किरदार के लिए जाना जाता था। ये शो 1989 और 1991 के बीच दूरदर्शन पे आता था। वहीं अभिनय के अलावा उन्होंने धारावाहिक की कहानी भी खुद ही लिखी थी और साथ ही इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कविता ने अपना हाथ फिल्म्स की स्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आजमाया था और उस समय के बड़े कलाकारों शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर के साथ फिल्म बधाई हो बधाई में भी उन्होंने काम किया था। इसके बाद उनका शो योर ऑनर भी आया था, जो देश की कानून व्यवस्था के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद कोरोना जैसे बुरे वक्त में एक बार फिर इस क्लासिक धारावाहिक उड़ान को वापस टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, जिससे कविता ने एक बार फिर से दर्शकों के दिलों में दस्तक दे दी थी। उड़ान में अभिनेता शेखर कपूर ने भी अभिनय किया है। आपको बता दें कि कविता चौधरी ने अमृतसर में अपनी अंतिम सांस ली है। कविता का निधन निश्चित रूप से मनोरंजन जगत के लिए एक काफी बड़ी हानि है। उन्होंने अपने अभिनय और निर्माण कौशल से एक नई लाइन का निर्माण किया था। इस खबर से एक्ट्रेस के परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी काफी शॉक में हैं।